यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2 2 6 2 6 डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस KSR बेंगलोर से चेन्नई जाने वाली गाड़ी समय 14:30 प्लेटफॉर्म 7 से जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ बेंगलोर में और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है बेंगलोर से चेन्नई के लिए, और हमारी ट्रेन है 22626 बेंगलोर चेन्नई डबल डेकर एक्सप्रेस में, जिसे बोर्ड करने मैं आ चुका हूँ KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन। तो अब चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा दिस इज़ गोना बी माय थर्ड डबल डेकर जर्नी। सबसे पहले मैंने जो डबल डेकर कवर की थी दैट वाज मुंबई अहमदाबाद, दूसरी जो मैंने की थी दैट वाज जयपुर दिल्ली, एंड आज हम करने वाले हैं बेंगलोर टू चेन्नई। तो अभी बेंगलोर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं आ चुका हूँ और हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्ट करेगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर से। तो दोस्तों, ये रही अपनी ट्रेन, अपना कोच जो है वो है C3। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर दिखाते हैं। ओप्स, थोड़ा ज़ोर से ही हो गया ये। ओके, तो इसमें 3 तरीके के अकोमोडेशन होता है। ये होता है बिल्कुल नॉर्मल कोच की तरह, जहाँ से आपको जो व्यू आता है सामने, वैसे उदय एक्सप्रेस खड़ी है, जो व्यू आता है बिल्कुल एक नॉर्मल LHB कोच की जो हाइट होती है उसके हिसाब से आता है। ये मिड डेक हो गया, यहाँ ऊपर जो है वो अपर डेक है और नीचे लोअर डेक। चलिए लोअर डेक दिखा देता हूँ मैं आपको। लोअर डेक का अकोमोडेशन जो है 1 2 3 by 2 का है, और यहाँ से जो व्यू आएगा आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप जब बैठेंगे तो सामने वाली ट्रेन के जो टायर्स है और जो स्टेयर्स है वो आपको दिखेगी, बिल्कुल इतना नीचे से व्यू आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका मैं इंटीरियर दिखाऊँ तो ये ऊपर आप रख सकते हैं अपना सामान, यहाँ पर बैठने की जगह। और इसका जो कुशनिंग है ना भाई साहब, अभी तक जो मैंने ट्रैवल किया है दो डबल डेकर एक्सप्रेस में, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सॉफ्ट कुशनिंग है। यहाँ पर आपको ट्रे मिल जाएगी कुछ भी चीज़ रखने के लिए, वहाँ पर बोतल होल्डर और लेग रूम इतना ही मिलेगा आपको। सो ये हो गई बात जो लोअर ट्रे के है उसकी, अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं अपर डेक। मेरी जो सीट है, इट इज़ 3rd time कि मुझे अपर डेक पे ही सीट मिली है, और एक ऐसी अगर ये वाली सीट मिल जाए ना, काम मिल जाए सच में। चलिए अब अपर डेक पे चलते हैं। इसका भी सीट अकोमोडेशन आप देख लीजिए 3x2। अपनी जो सीट है उसका नंबर है 100, जो कि है विंडो साइड, सो आई गेस ये वाली सीट होगी अपनी। बिल्कुल सामने आपको ये बीच वाले जो सेंटर सीट्स होती है उसके सामने इस तरीके से एक टेबल होता है, आप कुछ भी रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं, और जो स्पेस है बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेशन का छत आपको देखने को मिलेगी, इतनी हाइट पे होता है। सो ये कुछ इंटीरियर है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर AC वेंट्स है और यहाँ पर LED रीडिंग लाइट्स नहीं है जो किसी भी शताब्दी या कोई भी नॉर्मल चेयरकार ट्रेन में होती है। और यहाँ से आप जो है वो सीट की जो रेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका आर्म रेस्ट। जो सीट होती है वो काफ़ी कोजी सी होती है जो डबल डेकर में लगती है। बाकी अगर आप उठ रहे हैं अपर डेक पर तो थोड़ा आपको हेडरूम का ध्यान रखना है, बिकॉज जैसे आप उठेंगे इट में आपका जो सर है वो इस पर टच हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं हाइट मेरे से ज़्यादा ही है। तो ये है ब्रेक सामान रखने के लिए। बाकी यहाँ पर चार लोगों के बीच में एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ सा है इसका पूरा इंटीरियर। वैसे मैंने इंटीरियर पहले भी बताया है लेकिन इतना डिटेल में नहीं बता पाया हूँ, जस्ट बिकॉज ट्रैवल करते वक्त मैंने बताया था। अभी फ़िलहाल में ट्रेन बिल्कुल खाली है क्योंकि
एक घंटा बाकी है हमारा डिपार्चर में, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ द इंटायर डबल डेकर लुक्स अलाइक। तो अब रखते हैं अपना बैग और फिर चलते हैं बाहर, बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, और फिर जब ये ट्रेन डिपार्ट करेगी तो उस डिपार्चर के साथ जर्नी को शुरू करेंगे। ट्रेन नंबर 22626 डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसने अपनी पहली सर्विस दी थी 25 अप्रैल 2013 को, और अगर इस ट्रेन के टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये ट्रेन डेली चलती है वीक में सातों दिन, और बेंगलोर से निकलेगी दोपहर को 2:30 पे, 10 हॉल्ट लेते हुए चेन्नई पहुंचेंगे हम रात को 8:25 पे। और अगर डबल डेकर की लॉजिक की मैं बात करूँ तो इस ट्रेन को इसी वजह से शुरू किया गया था कि जो हाईली बिजी रूट्स है वहाँ पर ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिल जाए, लास्ट मोमेंट पे भी अगर किसी को जर्नी करनी हो तो आपको ट्रेन की सीट मिल जाए। इसी वजह से इसमें जो सिटिंग अकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर बाकी सारी ट्रेनें भर भी गई हो तो आपको एट दी एंड डबल डेकर के अंदर जगह मिली जाएगी। और यहाँ पर कोई तो ट्रेन है जो आ रही है, आप देख सकते हैं वैग 9 जो है वो पुल कर रहा है वैग 5 को, P5 वाले को, हो सकता है ये फेल हो गया होगा इस वजह से। तो इसका जो लॉजिक था डबल डेकर का वो सिंपल यही था कि लास्ट मोमेंट भी अगर आप कोई जर्नी प्लान करो तो आपको सीट की अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से मिल जाए, और यही होता है इस डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ भी। अगर आप देखेंगे जब भी बुक करने के लिए वो ट्राई करेंगे तो उस वक्त लास्ट मोमेंट पे भी आपको करंट में अवेलेबल मिल ही जाएगी। ये चीज़ मैंने अहमदाबाद मुंबई वाली में भी देखा था और जयपुर दिल्ली वाली में भी देखा था कि जब मैंने बुक की थी तब नहीं तो 100 सीट जो है वो अवेलेबल बता देती, लेकिन जब ट्रेन चली तो बिल्कुल फुल हो गई थी। इस ट्रेन के अगर मैं कोचेज़ और उसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो इस ट्रेन में 10 ऐसे डबल डेकर के एसी स्पेशल कोचेज़ लगते हैं जिसकी कॉस्ट है 560, और एक ही टाइप के कोचेज़ लगते हैं इसमें, बाकी डबल डेकर की तरह कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे डबल डेकर वाले एसी स्पेशल कोचेज जो है इस ट्रेन में लगाए जाते हैं। और लोकोमोटिव लगता है इस ट्रेन में लालागुड़ा शेड का वैप 7 यानी WAP 7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी इस ट्रेन को होल्ड करने वाला है। और यहाँ ये कुछ नया देखने को मिला मुझे रेलवे स्टेशन पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो गार्डन में एक रेस्ट एरिया है, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो और बाहर जो धूप है वो बिल्कुल आपको नहीं लगेगी और काफ़ी ठंडक फील होती है यहाँ पर। सामने हमारी ट्रेन है और यहाँ पर अगर आप आकर वेट करना चाहें सो ये बहुत यूनिक है, और आप देख सकते हैं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर गार्डनिंग की गई है, कई सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप KSR रेलवे स्टेशन पर आते हैं, इट विल बी ब्रिंग अ पीस ऑफ माइंड। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा इस तरीके की चीज़ें बाकी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिले तो भाई मज़ा ही आ जाए। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 359 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 5:55 में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। सो वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम KSR बेंगलुरु नाउ। चलिए अब चलते हैं कोच के अंदर और बैठते हैं थोड़ी देर, वहाँ पर डेक पे अपनी सीट है जैसे मैंने बताया।
ऑल राइट, तो सिर्फ 4 किलोमीटर चलने के बाद दिस इज़ आर फर्स्ट हॉल्ट विच इज़ बैंगलोर कैंट। और आप देख सकते हैं जो भीड़ KSR से नहीं चढ़ी थी वो कैंट से चढ़ेगी, और कई सारी जो शताब्दी, जन शताब्दी या फिर जो भी ऐसी चेयर काली कार वाली ट्रेन होती है ना, उनके ओरिजिन से मैंने देखा है कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं चढ़ती। जो फर्स्ट हॉल्ट होता है वहीं से चढ़ती है, जस्ट बिकॉज जो भी कम्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिटी से वो आराम से उस ट्रेन में बोर्ड कर पाए। ये चीज़ आप अगर देखेंगे शताब्दी वाली जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें भी यही होता है। सो दिस इज़ आर फर्स्ट हॉल्ट, यहाँ पे हमारा इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और बिल्कुल ऑन टाइम 4 किलोमीटर कवर करके हम हमारे फर्स्ट हॉल्ट पर पहुँच चुके हैं। जैसे मैंने बोला था बेंगलोर कैंट से थोड़ी पब्लिक अपने कोच में आई है अभी। तो अभी ट्रेन चले ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हुई है और मैंने ये सूप लिया है विच इज़ कॉस्ट फॉर 20 रुपीज़। चलिए टेस्ट करते हैं। और अभी फ़िलहाल में खाने पीने के लिए कोई भी कोई पूछने को नहीं आया है और अभी फ़िलहाल में कोई वेंडर भी नहीं आया जिसके पास कुछ खाने पीने के लिए हो, लेकिन इस ट्रेन के टिकट में खाना वाना कुछ बुक नहीं होता जस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रीमियम ट्रेन। तो अगर आप कुछ लेना चाहें तो वो जो वेंडर्स आएंगे उनके पास से ही कोई ऑप्शन होगा। अभी अगर कोई आता है तो आई विल शो यू, अदरवाइज़ अभी ये सूप तो अपने पास आ चुका है जिसे हम अभी ट्राई करते हैं। और बाहर थोड़ी बहुत बारिश चल रही है और आप वेदर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वेदर है। दैट गुड एज एक्सपेक्टेड। मैंने सूप 2-3 बार लिया है ट्रेन में और उसमें छोटे छोटे ना पीसेस होते टोस्ट के, उसमें कुछ भी नहीं है और टेस्ट भी अजीब सा ही कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है सिर्फ मसाला डाल दिया है पानी में। आई डोंट नो, 20 रुपये डेफिनेटली नहीं देने चाहिए इसके। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और फिर मैं बाहर के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है हमारा अगला हॉल्ट बंगारपेट जिसका स्टेशन कोड है BWT और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 में और बंगारपेट को कहा जाता है बंगारपेट जंक्शन क्योंकि यहाँ से 2 लाइन राउट होती है, एक है यलहंका की तरफ और दूसरी मरीकुप्पम की तरफ, जिस वजह से स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और इस रेलवे स्टेशन पे हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो 3:40 का था और हम 5 मिनट बिफोर 3:35 ही बंगारपेट पहुंच चुके हैं और हमारा यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। और मैं सारे स्टेशन तो कवर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन जितने जितने भी स्टेशंस है जितने भी हो पा रहे हैं वो सारे मैं कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। और 5 मिनट बिफोर पहुँचे हैं और 1 मिनट का हॉल्ट, यानी 6 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेगी। और खाने पीने के ऑप्शन में आपको इस ट्रेन के अंदर जो मेदू वड़ा है वो मिल जाएगा, इडली भी मिल रही है और साथ ही साथ ब्रेड कटलेट भी मिल रहा है और ऑमलेट और ब्रेड अगर आप खाना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। तो खाने पीने की चीज़ जो है जैसे मैंने बताया जो ऑन बोर्ड कैटरिंग स्टाफ है उनके थ्रू मिल जाएगी, बस इस ट्रेन में पेंट्री करनी है तो जो भी बोर्ड होगा वो सब ट्रेन के बाहर यानी स्टेशन से ही आपको मिलने वाला है।
चले तो अपने डबल डेकर के वॉशरूम के हालात देखते हैं और क्लिनिनेक्स के हालात देखते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन तो चली है बेंगलोर से और ऑलमोस्ट एक घंटे का वक्त हो चुका है, तो ट्रेन तो इतनी गंदी है नहीं। वॉशरूम देख लेते हैं क्या हाल है। भाई साहब थर्ड क्लास हाल है, नीचे अगर मैंने बता दिया ना तो आप मेरी चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, मिरर जो है वो क्लीन है, लाइट जल रही है, यहाँ सब है। अभी मैंने जो देख लिया है ना उसके बाद ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड सोप है वो अवेलेबल है, पानी आ रहा है, ये भी क्लीन है, फर्श साफ है, लेकिन वॉशरूम जहाँ आप यूज़ करने जाओगे वो वहाँ पर पानी आई कैन नॉट डिस्क्राइब, गंदे हालात है फिलहाल में ये समझ लीजिए। तो वॉशरूम का रिव्यू यहीं तक, अब आगे जर्नी इंजॉय करो। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:07 और बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट विच इज़ विनियम बाड़ी, जिसका स्टेशन कोड है VN। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है चेन्नई रेलवे डिवीजन के द्वारा। और विनियम बाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये फेमस है यहाँ की स्पेशल बिरयानी के लिए, और साथ ही साथ तमिलनाडु का एक मेजर हब है टू एक्सपोर्ट दी लेदर्स। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुँचे हैं, तो ट्रेन 2 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है। बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ हमारी ट्रेन चल रही है, 2 मिनट का होल्ड था, 2 मिनट रुकी और वी आर रेडी टू डिपार्ट, और आई शुड से वी आर डिपार्टिंग विनियम बाड़ी। इस रूट पर इतने सारे माउंटेन्स और ग्रीनरी है ना, देख के सच में मज़ा ही आ जाता है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ और हल्की हल्की बारिश भी साथ में चल रही है, ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही लग रहा है। ऑलराइट गाइस, सो बेंगलोर से 229 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल काट पाटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KPD और इसे जाना जाता है वेल्लोर काट पाटी जंक्शन के नाम से भी। और ये रेलवे स्टेशन है ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन, और वेल्लोर जो सिटी है उसे जाना जाता है एज अ मेजर हब ऑफ लेदर एक्सपोर्ट, और उसमें भी फिनिश्ड जो लेदर होता है, जो भी लेदर के गुड्स होते हैं उसका एक मेजर एक्सपोर्टर माना जाता है। और हमारा इस ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। पॉसिबल था कि हम 5 मिनट जल्दी पहुँच जाए, लेकिन आउटर पे सिग्नल की वजह से हमें रुका दिया गया था, जिस वजह से जो 6:08 का टाइम है हमारा यहाँ पहुँचने का, बिल्कुल उसी ऑन टाइम हम लोग काटपाड़ी जंक्शन पहुँचे हैं। और आपको बता दूं मैं कि इस तरीके की जो AC डबल डेकर एक्सप्रेस है, जो कि फर्स्ट टाइम चली थी, वो चली थी हावड़ा से धनबाद के बीच में,
तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंडियन रेलवेज़ की फास्टेस्ट डबल डेकर कौन सी है, वो कितनी स्पीड पे चलती है और कौन से रूट के बीच में चलती है। जो भी आपका आंसर हो उसे कमेंट में बताइएगा, जो भी राइट आंसर होगा आई विल लाइक दैट कमेंट, हार्ट जो होता है वो मैं उस पर दूंगा। लेट्स सी अब यहाँ से हमें कितने देर में डिपार्चर मिलता है। और भाई पंचुअलिटी तो इस ट्रेन की मैं बिल्कुल मान गया, हर स्टेशन ये ऑन टाइम पहुँची है। अगर जल्दी भी पहुँच रही होती है आउटर पर इसे खड़ा करके बिल्कुल ऑन टाइम कर दिया जाता है, हम ऑलमोस्ट 7 मिनट जल्दी आ जाते हैं अगर आउटर पर इसे रुकाया ना गया होता। लेट्स सी अब यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं। ऑलरेडी हमारा जो सिग्नल है वो तो हो चुका है और टाइम भी हो चुका है, तो चलिए डिपार्ट करते हैं यहाँ से। अब बिल्कुल इस ट्रेन का जो एस्केलरेशन है वो आप देख सकते हैं, विद इन अ मोमेंट ये ट्रेन एकदम स्पीड पकड़ लेती है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन बिल्कुल जैम पैक चल रही है, पूरे लोअर और अपर बर्थ दोनों बिल्कुल ही पैक्ड है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के 9th हॉल्ट अराकुलम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AJJ और दिस स्टेशन इज बीन कंसिडर्ड एज इंडियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन। अराकुलम जो कि आता है तमिलनाडु में और जाना जाता है यहाँ के एशिया का सेकंड लार्जेस्ट नेवी ट्रेनिंग सेंटर के लिए। और हमारा यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था, ट्रेन रुकी एंड अब हमारा जो डिपार्चर सायरन है वो भी बज चुका है, 2 मिनट का होल्ड। और हमारी ट्रेन 4 मिनट यहाँ पर लेट पहुँची थी जस्ट बिकॉज आउटर पर कुछ सिग्नलिंग इशू हो गया था, एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम अराकुलम जंक्शन। तो अराकुलम जंक्शन के बाद ये ट्रेन एक और जगह पर होल्ट लेगी जो कि मैं स्किप करूंगा, और अब मैं आपसे मिलता हूं सीधा हमारे जो डेस्टिनेशन है चेन्नई सेंट्रल। आई होप ये ट्रेन लेट ना हो बिकॉज वहां से मेरी बहुत ही कम टाइम स्पैन के अंदर मेरी एक ट्रेन है, और अगर ये ट्रेन लेट हो गई तो उस ट्रेन के छूटने के चांसेस हैं। बट अभी तो फ़िलहाल मैं 4 मिनट ही लेट है, आगे देखते हैं क्या होता है। एक स्टेशन पे और रुकेगी एंड देन वी विल बी रीच्ड एज चेन्नई सेंट्रल। सो गाइस, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम गोइंग टू ट्राई। आई थिंक दीज आर चिकपीस विद हल्दी, बॉइल्ड चिकपीस। पर ट्रेन में ये मिल रहा है 20 रुपीज में। सुंडल, वी कैन सी सुंडल सर, ही इज सेइंग सुंडल, आई डोंट नो व्हाट अ सुंडल इज, बट दिस इज न्यू यार, literally let's try it. Masala sundal, sundal sir, sundal, masala sundal, sundal sundal, it taste normally matlab haldi aur chickpeas jo boy chickpeas hote hain wo, but it reminds of my home because jab main weight lose kar raha hota hu mujhe isi tarike ke chickpeas khane hote hain, matlab main khata hu तो मुझे घर की याद आ गई, और इसका नाम थोड़ा सा मुझे वो फनी सा लगा, सुंडल। नाइस, number 2 6 2 6।
ऑल राइट गाइस, सो बैंगलोर से 359 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन विच इज़ चेन्नई सेंट्रल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और हम बिल्कुल पहुंचे हैं ऑन टाइम, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और ट्रेन जर्नी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन ताकि जब भी नए व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहें वहाँ पर मैं अपनी जो ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स है वो अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब मैं चलता हूँ चेन्नई सेंट्रल के बाहर, क्योंकि मेरी वापस एक और ट्रेन है कनेक्टिंग, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊँगा और मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल कान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल। टाटा। Thank you.